गुड आफ्टरनून कोलकाता, सैटरडे आफ्टरनून 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं। जी हां, गुजरात क्लब में इस वक्त हूं और बता दूं कि आज शाम को कोलकाता का मोस्ट हैपनिंग प्ले जो है वो होने वाला है। जैसे कि हमने दो दिन पहले ही बातें की थी, एक बहुत ही शानदार सा प्ले जो है वो कोलकाता में होने वाला है। बातें हो रही है गर्दिश में तारे की, सेंटर स्टेज क्रिएशन जो है वो लेकर आए हैं इस शानदार से प्ले को और आज ये जीडी बिरला सभागार में शाम के 6:30 बजे होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ नन अदर देन माय फेवरेट एक्टर आरिफ जकारिया, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव इस वक्त बातें होने वाली है। हमने फोन पे बातें की थी, काफी कुछ जाना था इस प्ले के बारे में और आज जब ये प्ले होने वाला तो एक बार फिर से उनके साथ मुलाकात करके काफी अच्छा लगा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू अनिमेश, मेरा सौभाग्य आप इंटरव्यू कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। सर मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, आपको हमने बहुत सारे किरदार में देखा है और इस प्ले में भी नजर आ रहे हैं आप, गर्दिश में तारे। कुछ कहना चाहेंगे एक बार फिर से इस प्ले के बारे में? ये एक बड़ा अनोखा सा प्ले है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये दो किरदार हैं हस्बैंड वाइफ, उनके रिश्ते को एक्सप्लोर करता है और कई चीज़ें आपको उस रिश्ते में एक छुपी हुई मिलती हैं। जैसे वो फिल्म बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, 1950 में स्थित है, अपना अपना एक नज़रिया है उनका लाइफ का और वो दोनों इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, कैसे बेइंतहा प्यार भी करते हैं एक दूसरे को और कैसे सारी चीज़ें जो उस दौर की हैं वो आपको देखने मिलेंगी स्टेज पे। तो काफी कॉम्प्लेक्स भी है मैं कहूंगा और इंटरेस्टिंग भी है एक तरह से ये प्ले। जी, प्ले की जब बातें हो रही है, आपको हमने बहुत सारे किरदार में देखा है, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि सबसे टफेस्ट रोल अभी तक आपको क्या लगा? इतने सारे मूवीज में हमने आपको देखे हैं, बहुत सारे टफ कैरेक्टर्स में हमने आपको देखे हैं, लेकिन ऐसा एक रोल जो आपको करके लगा कि जी हाँ ये काफी 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 कठिन था? वैसे हाँ, जैसा आपने कहा रोल तो काफ़ी किए हैं और जैसे इस प्ले में मुझे लगता है ये कठिन रोल है जो इस वक्त कर रहा हूँ, जो इस वक्त हाथ में है और ये लाइव थिएटर है तो और भी कठिन हो जाता है। फिल्म में क्या है, थोड़ा सा आपके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, टेक रीटेक होता है, एक सुविधा होती है आपको अपना, हाँ यहाँ उस तरह से नहीं होता जैसे आप जानते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त मुझे यही सबसे कठिन रोल लगता है देवदत्त बोस का, जो मैं रोल करता हूँ और इसे हर शाम या शोज के वक्त दर्शाना और उतनी इंटेंसिटी से दर्शाना और उतना एंटरटेन करना आप लोगों को, तो वो मुश्किल होता है। तो इस वक्त मुझे लगता है यही सबसे मुश्किल रोल है। जी, ऑडियंस भी यहाँ की काफ़ी अलग होती है, कोलकाता के बारे में अगर कोई आपको कुछ कहना हो? हाँ, कलकत्ता की ऑडियंस तो बड़ी जागरूक होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, जहाँ तक मुझे पता है वो चीज़ों को समझती है। तो आप जितनी सच्चाई से आप प्ले में चीज़ें दर्शाते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग संस्कृति, कला और सिनेमा के बारे में जानते हैं, तो मुझे लगता है उनके सामने पहली बार हम परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक चुनौती भी है और एक तरह से डर भी लग रहा है मुझे। जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा प्ले का दायरा है, जो हम दिखाना चाहते हैं प्ले में, जिस तरह से दिखाया है, जिस एंटरटेनमेंट के साथ हम मैसेज भी दे रहे हैं, वो उनको पसंद आएगा। सोनाली भी नजर आ रही है इस प्ले में, बहुत ही आप दोनों इस प्ले में नजर आ रहे हैं, तो उनके साथ काम करके कैसा लगा, केमिस्ट्री कैसी है सर? नहीं, हाँ बिल्कुल, उनके साथ मैंने पहले भी काम कर चुका हूँ लेकिन वो बड़े सुलझी हुई कलाकार हैं और कई चीज़ें हमने रिहर्सल में साथ में इवॉल्व की हैं और कई चीज़ें उन्होंने मुझे भी बताई हैं मेरे किरदार के बारे में जो मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो एक कलाकार जो आपके सामने आपके साथ रहता है, जो जागृत होता है, जो क्रिएटिव होता है, जिसका तजुर्बा है, उसके साथ काम करने का एक अलग मज़ा होता है। प्ले की जब बातें होती है, गर्दिश में तारे बहुत ही शानदार सी प्ले है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है काफ़ी कुछ, जानना चाहूँगा कितना रिहर्सल करना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जब ऑडियंस है, हम लोग देख रहे हैं, लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक प्ले को सक्सेसफुल बनाने के लिए? देखिए, हमारे डायरेक्टर हैं सैफ हैदर हसन साहब, उन्होंने स्क्रिप्ट और बेसिक आइडिया उनका था तो वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी, तो रिहर्सल में हमने उन चीज़ों पे ध्यान दिया, उसमें से कई और चीज़ें निकल के आई और अलग अलग चीज़ों को समझा और ऐड किया। चीज़ें एज अ प्रोसेस इवॉल्व होती हैं जैसे आप रिहर्सल करते रहें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा समय हम दे नहीं पाए, हालांकि मैं चाह रहा था कि ज़्यादा समय हम दे, तो तकरीबन एक महीना रिहर्स किया हमने मुंबई में, जो पहला शो था उसके पहले 26 जनवरी को खुला है ये प्ले, तो उसके कुछ 3 या 4 हफ्ते पहले हम लोगों ने रीडिंग रिहर्सल शुरू की और जो चीज़ें निकल के आई हैं
इवॉल्व होके आई है वो आप स्टेज पे देखेंगे। आयुष सर आपको बता दूं कि जैसे ही आपके साथ मेरी बातें हुई कि इंटरव्यू जो है वो प्ले होने वाला है फ्रेंड्स एफएम पे, अपॉइंटमेंट जैसे ही फिक्स हुई हमने ऑन ईयर पूछा कि आपसे सवाल लोग पूछ सकते हैं, प्रियंका है इनका नाम, इन्होंने एक सवाल पूछा कि एक अच्छे कलाकार में क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्योंकि हमने आपको बहुत सारे रोल में देखे हैं, अगर आपको बताना हो कोलकाता के लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं उनको उनको पैशन रहता है तो एक अच्छे कलाकार में क्या क्या क्वालिटीज होती है। अच्छे कलाकार में सबसे पहले सहन शक्ति चाहिए आपको, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है लाइन है बड़ी पेचीदा सी लाइन है, बहुत सरल नहीं है, सक्सेस मिलता है नहीं मिलता है, फेलियर शायद ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, तो एक गेंडे की खाल चाहिए आपको, अपने आप पे बहुत अटूट विश्वास बहुत ज़रूरी है, आप क्या करना चाहते हैं और आप उस पगडंडी पे हमेशा कायम रहना चाहिए, तो एक सेल्फ बिलीफ चाहिए, एक अटूट विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास मनोबल चाहिए, मानसिक एक संतुलन चाहिए, अपने आप को आप सक्सेस से भी आप ज़्यादा ना हिलें, फेलियर से भी ज़्यादा ना हिलें, एक बैलेंस लेके आपको चलना चाहिए, ये मैं समझता हूँ मूल चीज़ें आपको चाहिए, बाकी चीज़ें हो जाती हैं, आपका प्रयास आपका श्रम आपको कहाँ तक ले जाता है वो फिर भाग्य की बात भी होती है, इसमें कई चीज़ें लक फैक्टर पर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन ये मूल रूप से आपको चीज़ें चाहिए अच्छे कलाकार। एक एक मूवी के सक्सेस में क्या एक मूवी का प्रमोशन जो होता है आजकल प्रमोशन वाली जो चीज़ है चारों ओर होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में की जाती है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक मूवी के सक्सेस में, एक मूवी को हिट बनाने में क्या प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है? ये बन चुका है 4-5 सालों में, आपने प्रश्न अच्छा पूछा, आजकल प्रमोशन पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आई थिंक कॉन्टेंट अगर आपका अच्छा हो और वर्ड ऑफ माउथ अगर पब्लिसिटी चलती है तो अच्छा वो और भी अच्छा रहता है, लेकिन आजकल मार्केटिंग इतना बढ़ इसलिए गया है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन इतने हैं, आप एज अ दर्शक आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फिल्म रिलीज हो रही है आज, उसके सामने आपके पास 5-6 और फिल्में होंगी, नाटक होंगे, टेलीविजन इतना बढ़ गया है वो आपको अट्रैक्ट करता है, लाइव थिएटर अट्रैक्ट करता है, दूसरे तरह के परफॉर्मेंसेज अट्रैक्ट करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका अटेंशन और आपको हमारा जो एक हमारे फिल्म का मैसेज है वो हिट करने के लिए बार बार आपके सामने आना पड़ता है, तो मार्केटिंग आई थिंक इनिशियली मदद करती है आपको थिएटर के अंदर लाने के लिए, और जैसे आप जानते हैं और मैं भी मानता हूँ फिल्म आजकल क्या है फ्राइडे सैटरडे संडे का बिजनेस बन गया है लिटरली, एक बड़ा वीकेंड अगर आपको मिल जाता है तो आपकी फिल्म काफ़ी हद तक सफल हो जाती है, लेकिन वो 3 दिन तक आपका जो हमको अटेंशन चाहिए उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, और कई एवेन्यूज हैं मार्केटिंग के, स्पॉन्सर्स मिलते हैं, कई लोग चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ें, अपना ब्रांड अपना नाम दें, तो ये बड़ा सरल बात नहीं है लेकिन खुल गया है, कई चीज़ें कई ब्रांड कई लोग, मीडिया इतना बढ़ गया है, इंटरनेट है, तो ये सारे माध्यम प्लेटफॉर्म मिलते हैं एक फिल्म को हमें आप तक पहुँचाने में। जाते जाते 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, आने वाले दिनों जी हाँ 40 लाख 40 लाख हमारे लिसनर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में और किस किस रूप में हम आपको देख रहे हैं, अगर कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं? एक तो ये प्ले है जो चला ये सर यहाँ से जाने के बाद कहीं और कहाँ कहाँ जो कुछ होने वाला ये बम्बई में शोज हैं, फिर आई थिंक इस साल हम ट्रैवल करने वाले हैं कुछ और सिटीज़ और ओवरसीज भी टूर प्लान किए हुए हैं, और इसके अलावा 17 अप्रैल को एक मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है नानक शाह फ़कीर, जो गुरु नानक की बायोग्राफी है, पहली बार अटेम्प्ट किया हुआ है हमने, तो वो 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तो वो अगला प्रोजेक्ट मेरा वो है। क्या बात है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा, थैंक यू सो मच आप कोलकाता में आए, फ्रेंड्स एफएम को आपने समय दिया, गर्दिश में तारे देखने के लिए मैं खुद आने वाला हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि आज कोलकाता के लोग सभी आने वाले हैं जी डी बिरला सभागार में, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू वेरी मच, बात करके मजा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ नॉन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्टर आरिफ जकारिया, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, सेंटेंस स्टेज क्रिएशन लेकर आए हैं गर्दिश में तारे जी डी बिरला सभागार में, आज शाम के 6:30 बजे ये प्ले होने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो। Friends FM 91.5.